अतिक्रमणकारी है वो सर प्रभावशाली व्यक्ति है, मुखिया है और राष्ट्रीय जनता दल के मरौरा के विधायक के पीए है, इसलिए जिला प्रशासन पूरी तरह से नतमस्तक है। अतिक्रमणकारी है वो सर प्रभावशाली व्यक्ति है, मुखिया है और राष्ट्रीय जनता दल के मरौरा के विधायक के पीए है, इसलिए जिला प्रशासन पूरी तरह से नतमस्तक है। नीतीश कुमार के जनता दरबार में तो कई शिकायतें सरकार और सिस्टम की होती है, लेकिन आज जो शिकायत लेकर एक शख्स पहुंचा था आरा के बढ़ारा से, वो तेजस्वी यादव की शिकायत थी, लालू यादव की पार्टी राजद के एक पूर्व विधायक की शिकायत थी। नीतीश कुमार पहले तो उस शख्स की समस्या समझ नहीं पाए, लेकिन जैसे ही समझा उसे वक्त दे दिया कि बोलते जाओ। फिर उन्होंने विभाग के अधिकारियों को टास्क दे दिया कि इसकी समस्या सुनी जाए। दरअसल पूरा मामला आरा के पूर्व विधायक के पीए से जुड़ा हुआ है। पीए मुखिया का चुनाव जीतकर मुखिया बन गया है और अब वो अपने इलाके में एक ऐसे सड़क पर अवैध कब्जा कर लिया है जिस वजह से लोगों को आने जाने में परेशानी हो रही है। फिर क्या था, जिला के अधिकारियों तक शिकायत पहुंचाने के बाद सुनवाई नहीं हुई तो इस युवक ने मुख्यमंत्री के जनता दरबार में शिकायत करने पहुंच गया। मुख्यमंत्री के सामने राजद के बाहुबली विधायक दबंग विधायक की चर्चा की। नीतीश कुमार के सामने उन्हें तेजस्वी के पूर्व विधायक के ऊपर कई आरोप भी लगा डाले, कहा कि यह विधायक और उसके पीए दबंग हैं, सड़क को जबरन अवैध कब्जा कर लेते हैं। मुख्यमंत्री सुनते रहे और फिर अधिकारियों के पास उसे भेज दिया कि तुम्हारे मामले पर सुनवाई होगी, तुम्हारी शिकायतें दूर होगी। तो जाहिर सी बात है कि आज मुख्यमंत्री के जनता दरबार में राजद की शिकायत जैसे ही नीतीश के सामने पड़ी, नीतीश पूरे इत्मीनान से उसकी शिकायत सुने और फिर उसे भरोसा दिया कि तुम्हारी शिकायत जल्द ही दूर हो जाएगी। नगर निगम द्वारा बनाए गए रास्ते से अतिक्रमण हटाने के लिए आदेश निर्गत हुए एक साल से ज्यादा हो गया, लेकिन अभी तक अतिक्रमण नहीं हटा, क्योंकि जो सर अतिक्रमणकारी है वो सर प्रभावशाली व्यक्ति है, मुखिया है और राष्ट्रीय जनता दल के मरौरा के विधायक के पीए है, इसलिए जिला प्रशासन पूरी तरह से नतमस्तक है, कोई कार्रवाई नहीं होती। आवेदन के माध्यम से मुख्यमंत्री महोदय, मंत्री महोदय, कलेक्टर साहब, एसपी साहब, कमिश्नर साहब, प्रशासन सचिव, हर जगह आवेदन के माध्यम से एक साल से लगातार आवेदन दे रहे हैं, कोई कार्रवाई नहीं हुआ है सर। उल्टे मतलब की धमकी या जमीन हमारा कैप्चर करने का टॉर्चर मिलता है। नगर निगम के अंदर है जी सर, नगर निगम में तो कुछ कार्रवाई नहीं होता है, मतलब जो मेरा समस्या क्या है, आवेदन ये ऑर्डर निकला है सर, रास्ता समस्या क्या है आपकी, अतिक्रमण नहीं हटा है सर, रास्ते से अतिक्रमण हटाना है। नगर निगम के अंदर की बात है, नगर निगम रास्ता बनाया है सर, मुख्यमंत्री शहरी गली नली पक्कीकरण निश्चय योजना के अंतर्गत रास्ता बना है। ठीक है, ये तो क्या हुआ उसमें सर, रास्ते को इंक्रोच कर दिया गया है अगल बगल के प्रभावशाली व्यक्ति, नहीं बनने दे, आप बोलिए ना, बन नहीं पा रहा है, नहीं बनाने का नहीं है सर, अतिक्रमण हटाने का है, वहाँ पे गलती से लिखा गया है, बैटर जो है अतिक्रमण हटाने के लिए है, वही ना बन नहीं पा रहा है, नहीं अतिक्रमण हटाना है सर, रास्ते को फेर दिया गया है, अतिक्रमण हटाने के लिए इसलिए कि बन नहीं पा रहा है ना, ये रास्ता बना हुआ है, अच्छा बीच में दीवार खड़ा कर दिया गया है, ये रास्ता बना हुआ है और दीवार खड़ा कर दिया गया है सर दबंग व्यक्ति के द्वारा, जो कि मुखिया है, विधायक के पीए है, जिला प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। ये नगर निगम के अंदर की बात जी सर, चल दो वहाँ पे इसको लेके जाइए अरसे। और सर लोक शिकायत निवारण में ऑर्डर का एग्जीक्यूशन का रिव्यू करवा दीजिए सर, कुछ नहीं कर दो। तंत्र मंत्र के बादशाह भारत के जाने माने सर्वश्रेष्ठ गुरु खान जी मिलेगा हर समस्या का समाधान गारंटी के साथ। मेरी बेटी की शादी के लिए बहुत से रिश्ते आते थे पर कोई न कोई अड़चन पड़ जाती थी, इसी वजह से मेरा पूरा परिवार बहुत परेशान था। बाबा जी की दुआओं से आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू बनी। बट को चाहे जहाँ काम होगा सिर्फ यहाँ, ग्रह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, फिल्मों में प्रवेश और कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान, सभी समस्याओं का समाधान गुरु खान जी। अभी कॉल करें 9821707996।